अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ऐसा है ये रिश्ता अनजाना। लेकिन ये कैसे हो सकता है? मैंने खुद पैसे चेक किए थे, पैसे बैग में ही थे। पैसे बैग में थे? तो फिर कहाँ है, कहाँ है सुरंग है उसमें जो निकल गए, या कोई जादू हो गया जो उसमें से निकल गए? बोल, कमली के पैसे कहाँ है? माफ करना भतीजे, लेकिन इस पैसे की जरूरत तुमसे ज्यादा मुझे है। पैसे यहाँ पर जहाँ बरातियों के रुकने की व्यवस्था है वहां पर मेरे कमरे में रखवा दी। जब तक कमली पंजाबन आती तब तक वॉशरूम हुआ था। यार तुम्हारे पास तो तुम्हारा भाई है रजत, किसी ना किसी तरह बचा ही लेगा, पर मुझे तो अपनी मदद खुद ही करनी होगी ना। तुझे क्या लगा तू कमली की आंखों में धूल झोंकेगा और कमली को पता भी नहीं चलेगा? तूने एक गलती की होती ना तो कमली तुझे माफ भी कर देती, पर तूने कमली को बेवकूफ भी बनाया और कमली को धोखा भी दिया, और कमली के दरबार में धोखे की माफी नहीं मिलती। कौन है? हम हैं। और आपकी हिम्मत कैसे हुई हमारे रमन जी को नुकसान पहुंचाने की? अनमोल तुम यहाँ से जाओ, यहाँ तुम्हारे लिए रुकना खतरे से खाली नहीं है, प्लीज जाओ यहाँ से। नहीं, कहीं नहीं जाएंगे। साथ निभाने का वादा आपका साथ छोड़ने के लिए नहीं किया था हमने। हम आपको लिए भी ना कहीं नहीं जाएंगे, कहीं नहीं। जब तक दूल्हा नहीं मिलता कल्याणी जी को यहीं रखो। और आप बाहर जाइए वरना हमारे बेटों को शक हो सकता है। और फुर्ती दिखाइए अपने बेटे को ढूंढने में। विजय बबुआ जल्दी से रमन को ढूंढ के लाना, हमें यहाँ बहुत ही डर लग रहा है। ना चीची, हाँ चीची लेके आते आते हैं समधन जी, हाथ तो छोड़ो। हमारे भाइयों को पता चल गया ना कि आपने हमारे होने वाले पति को उठाया है तो दिन में सिर्फ चांद सितारे नहीं बल्कि पूरा का पूरा सूर्य मंडल दिखा देंगे। अरे रे छोटी सी बच्ची, तू इतनी बड़ी हुई नहीं है जितनी बड़ी बड़ी बातें करती है तू, पर कोई नहीं तेरी बातें बड़ी मजेदार होती है। हमारे भाइयों का मुक्का भी बड़ा मजेदार है, अगर पड़ गया। ये चुटकी तो कुछ सोचती भी है या कोई भी काम अपने धुन में करती है? अपने भाइयों का इतना ही गुणगान गा रही है तो उन्हें साथ ले आती, कमली पंजाबन भी देख लेती उनका जलवा। पर कोई नहीं रानी, टॉनी बिटिया ने तो देर कर दी। कोई नहीं, अब कमली पंजाबन दिखाएगी तुझे जलवा। रमन Thank you.
सब जगह ढूंढ लिया, ये आखिरी जगह है जहां रमन के मिलने की चांसेस। रमन कहां हो तुम? रमन! आसपास के सारे एरिया में जहां भी हो सके ढूंढो उसे। मुझे मेरा भाई किसी भी कीमत पर चाहिए। जिसने भी ये किया है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रमन! ओए, जाके देख। आजो। कमली, कमली प्लीज उसे जाने दो। नहीं, कहा ना हमने, हम आपको बिना लिए कहीं नहीं जाने वाले। हाय नी, इतना प्यार, अभी तो सिर्फ दुल्हन बनी है, शादी भी नहीं हुई, प्यार पूरा हो गया क्या? है ना, पूरे प्यार को अधूरा करने में कमली को जो मजा आता है वो तो सिर्फ कमली ही जानती है। इस लड़के ने मुझे धोखा दिया है, मुझे बेवकूफ बनाया है, तो भुगतना तो पड़ेगा ही। और तू, ये जो फेरे, मांग, मंगल सूत्र और सिंदूर के सपने देख रही है ना, उसे भूल जा, क्योंकि ये तो अब बचेगा नहीं। नहीं रजत, ये बात हम अनमोल के भाइयों को नहीं बता सकते। अरे वहां समधन जी जिच्ची के कनपट्टी पे बंदूक लगा के रखी है, अगर कुछ ऊंच नीच हो गई ना तो गोली मार देंगे। पापा हम कब तक नहीं बताएंगे, बताना तो पड़ेगा ना। अरे कोई बराती थोड़ी ना गायब हुआ, शादी से तूला गायब हुआ है, आपका बेटा जिसका फेरे पर सब इंतजार कर रहे हैं, अब समझने की कोशिश करो। मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन तुम ये बात किसी को नहीं बताओगे प्लीज। पापा आप टेंशन मत लीजिए, मैंने पुलिस को खबर कर दी है और हमारे भी कुछ आदमी हैं जो इस काम पर लगे हुए हैं। आप प्रार्थना कीजिए कि रमन जल्दी से मिल जाए और वो ठीक हो। नहीं नहीं, देखिए ऐसा मत कीजिए ना, आपको पैसे चाहिए ना, रुकिए हम आपको पैसे देते। अनमोल ये क्या कर रही हो, मत करो ये सब मेरे लिए। लीजिए ये सारे गहने ले लीजिए, इससे तो आपकी वसूली हो जाएगी ना। ये गहने हमारे लिए मायने नहीं रखते जितना रमन जी की जान हमारे लिए मायने रखती है। लीजिए, ये भी आपके लिए काफी नहीं है ना, तो लीजिए ये 3 लाख का चेक भी ले लीजिए, बस काफी है ना इतना, अब हमें जाने दीजिए। सही कहा छुटकी, गहने तो भारी है, इससे मेरी वसूली तो पूरी हो जाएगी, पर इस लड़के ने जो मेरे साथ धोखा किया, मुझे बेवकूफ बनाया, उसकी भरपाई कौन करेगा? इसे बाहर लेके जाओ और इसको ड्रम में डालो। लेकिन हमें अनमोल के घर वालों से बात करनी पड़ेगी, उन्हें बताना पड़ेगा, हो सकता है उसके भाई हमारी कुछ मदद करते। बेटा मदद तो तब करेंगे ना जब हम जिंदा बचेंगे। अरे ये रमन के गायब होने की बात सुनते ही ना वो हम सबको गायब कर देंगे यहाँ से। जो भी हो पापा, हम उन्हें अंधेरे में नहीं रख सकते, ये अनमोल की लाइफ का सवाल है, उसके भाइयों को इस बारे में पता होना चाहिए। देखिए मैं उदय से बात करने जा रहा हूँ, आप बस यहाँ संभाल लीजिए। नहीं नहीं, ऐसा मत कीजिए, ऐसा मत कीजिए, हम विनती कर रहे हैं आपसे, ऐसा मत कीजिए, लेकर आओ डालो से। नहीं नहीं रमन जी, कमली तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल गए, छोड़ दो हमें। नहीं अनमोल, रमन जी नहीं नहीं छोड़ो,
अनमोल! ताकत नहीं है, चलो अंदर। रमन जी, ये गलती मत करना, चलो हमारे साथ। ये रमन अब तक आया क्यों नहीं है? हमें ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ गड़बड़ हुई है? भैया आप चिंता मत कीजिए, हम जाके देखते हैं। दूल्हा मिले ना मिले, आज ही शादी होकर रहेगी। दूल्हा नहीं मिलेगा तो शादी कैसे होगी? कैसी बातें कर रही हो? जैसे भी हो, अनमोल ई घर से विदा होगी, ई बात पक्की है। देखिए, इन सब बातों का कोई मतलब नहीं, जो कुछ भी हुआ है आपके सामने हुआ है। हमने रमन को गायब नहीं किया, मुझे एक बार अनमोल के भाइयों से बात करने दीजिए, उन्हें बताने दीजिए कि रमन कहीं मिल नहीं रहा, और पता नहीं वो किस बड़ी मुसीबत में फंसा हो। वो मुसीबत में हो ना हो, पर हम मुसीबत में ना पड़ेंगे। ने कहा ना, आज अनमोल की शादी होगी तो मतलब होगी, दूल्हा चाहे कोई भी हो। आर यू सीरियस? ये कोई गुड्डे गुड़ियों का खेल चल रहा है क्या? तो एक गुड्डा नहीं मिला तो दूसरे को लाकर बैठा दिया। ए, ज्यादा प्रवचन करने का जरूरत ना है। कल्याणी का कल्याण यही कर देंगे। जाओ, इस समस्या का समाधान ढूंढो और हमको बताओ फेरे पे कौन बैठेगा। बचुआ, जो ये कह रही है वो कर दे, वरना ये हमारा कल्याण कर देगी। तो वैसे भी इस रिश्ते से खुश ना थे, देख लो विजय कैसे हमारी जान पे बनाई है। पता नहीं कैसी माँ है जो अपनी बेटी की ही जिंदगी बर्बाद करने पे चली। हमें तो लग रहा है अनमोल की असली माँ ना है। कल्याणी जी, हमारे रिश्ते का चीरफाड़ बाद में करें, पहले अपने चीरफाड़ का सोचें। सोचिए, अगर रमन नहीं मिला तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, मैं उदय जी से खुद बात करूंगा और मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारी बात समझेगी, वो रमन को ढूंढने में हमारी मदद करेंगे। कहां? अनमोल, थैंक यू सो मच, आज तुमने दूसरी बार मेरी जान बचाई। आई एम सो लकी कि मुझे तुम जैसी लाइफ पार्टनर मिली। रमन जी, आप हमारे दूल्हे हैं, तो क्या हम अपने दूल्हे को भी नहीं बचाने आते? और जीवन साथी सिर्फ नाम के लिए नहीं होता, बल्कि पूरे जीवन उसका साथ निभाने के लिए होता है। हमने तो बस वही किया जो हमें करना चाहिए था। अच्छा, अब चलो यहाँ से, सब हमारा वेट कर रहे हैं। तुम जाओ और जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं भी तैयार होके आता हूँ। ठीक है।
तुम यहाँ? अनमोल, काजू तू? तू कब आया? मैं तो यही था। शुक्र मना तू आ गई। अब जल्दी चल, रमन जी मंडप में आ गए हैं। विराजिए यजमान। दूल्हा आ गए, दुल्हन कहाँ है? अभी आ रही है पंडित जी। अनमोल, ये तेरे स्कूल का कोई नाटक नहीं है जो नकली गहने पहन रही है? काजू, ये हार हमें बुआ जी ने दिया है, इसलिए हम ये पहने। और एक बात बोले, गहने असली हो या नकली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इंसान असली होना चाहिए। और बात तो सही है। अनमोल भैया, कितनी प्यारी लग रही है, नजर न लगे। एकदम रानी लग रही है हमारी बहन। चल, खेलों का समय हो गया है। ये पगली रोएगी क्या अब? पाली है जो भाई की तू जान है, लक्ष्मी तू इस मंदिर की घर की पहचान है। छोड़ कर तू ये अंगना, जब तुझे घर जाएगी नम कर आखे हम सबकी, किसी और के रंग रंग जाएगी। सौंपेंगे कैसे अपने पुण्य का खजाना, कैसा है ये रिश्ता अम्मा, तुम यही चाहती थी ना? देखो, तुम्हारा एक और वादा हम पूरा कर दिया, अब बस तुम खुश रहना, ठीक है? और हाँ, एक और बात, हमारे भाइयों को भी खुश रखना। चल। विराजिए यजमान। अक्षत लीजिए और भगवान का ध्यान कीजिए। हरिओम पवित्र पवित्रो वा सर्वावसंगतो पिवाय स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवाहाभ्यंतर शुचिः। ओम केशवाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम ऋषिकेशाय नमः।
गठबंधन के लिए वर की बहन आ गया है और गठबंधन करें। नंदिनी, ननद साहिबा, गठबंधन इतना अच्छा बांधिए ताकि वो कभी ना टूटे। अगर विश्वास नहीं होता तो कुछ चेक कर सकती हूँ। अवर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। क्या हो गया, ऐसे क्या बदबूदा रहे? जोर से बोलिए ना। अनमोल, वेदी पर बैठकर मजाक नहीं करते, चलो बातचीत नहीं। और